हेलो बैलेंस कब दे रहा है? जल्दी दे दूंगा विक्रम सेठ। एक साल से ऊपर हो गया तेरे लोन को, 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया था। विक्रम सेठ 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, मैं पक्का दे दूंगा। चल एक हफ्ता और ले, सारा उधार पूरा कर दे और बंद कर खाता। थैंक यू विक्रम सेठ। एक हफ्ते के बाद कोई थैंक यू नहीं, सॉरी नहीं, ये नहीं वो नहीं, सीधा मैं तेरे घर पहुंचूंगा। उसके बाद जो होगा वो मैं भी नहीं जानता। नहीं नहीं, इसकी कोई नौबत नहीं आएगी, मैं पक्का लौटा दूंगा विक्रम सेठ। 16 अगस्त को फिर फोन करूंगा, लास्ट टाइम बोलता हूँ, दे दे पैसा नहीं तो वाट लगा दूंगा तेरी। ओए ओए अमित, मुद्दे का क्या क्या हो गया? नहीं कुछ कुछ नहीं। अरे यार तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कुछ तो हुआ है, बोल क्या हुआ? मुंबई के मीरा रोड का रहने वाला एक युवक अमित बेहद परेशान था कि वो अपना एक प्राइवेट लोन कैसे चुकाएगा। महाजन की धमकी से अमित कांप गया था। उसके पास अपना घर और अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी था। हेलो, पैसे लाए हो? हाँ पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, अब ट्रेन पे चढ़ जाओ और अंधेरी आ जा। अंधेरी? अरे मेरा बेटा है कहाँ? जितना बोला उतना कर। अंधेरी स्टेशन के स्काईवॉक पे खड़ा रहा चुपचाप फ्लाईओवर के पास। देखिए भाई साहब प्लीज बताइए मेरा बेटा है कहाँ, मुझे एक बार रमेश से बात करनी है। हेलो, 17 अगस्त 2012, एक बेहद परेशान पिता माधव नारायण अपने अगवा किए गए बेटे की फिरौती की रकम लेकर घर से निकल पड़ा था। अपहरणकर्ता एक रिमोट कंट्रोल की तरह उसके मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा था। लाचार माधव नारायण अपने बेटे के लिए तरस रहा था। वो लोग मुझे अंधेरी स्काईवॉक पर बुला रहे हैं। सर, बैंड्रा स्काईवॉक से उसे अंधेरी स्काईवॉक पर बुलाया गया है। इस बार भी कॉल नए नंबर से आया सर, और कॉल के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। उनको पता चल गया होगा कि माधव नारायण हमारे पास आ गया है, इसलिए सिम कार्ड बदल कर फोन कर रहे हैं। आड़कर मुझे लड़के के बारे में फिक्र हो रही है। सर, हमारे कांस्टेबल माधव को घेरे हुए हैं। उनसे कहो एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। आखिरकार ये क्या खेल खेला जा रहा था? कौन था इस किडनैपिंग के पीछे और ये किडनैपिंग क्यों हुई थी? माधव सेठ आज दो काम कर कम पड़ रहे हैं। वही होंगे मुर्गन और कुमारेश। हाँ सर वही दो, हर 2 दिन के बाद दांडी मारते साले। सचिन एक काम करो, अब जब आएंगे ना वो काम पर तो उनको फाइनल वार्निंग दे दो। अब अगर एक भी दिन छुट्टी ली तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। ठीक है सर। इंजीनियर साहब होंगे, परेशान हो गए होंगे, काम नहीं हुआ ना। हेलो, माधव नारायण। हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? मुझे 10 लाख चाहिए। क्या, कौन हो तुम? मैं हूँ कोई, तू बात सुन। मैंने तुझे फोन किया है क्योंकि तू मुझे 10 लाख दे सकता है और तू जरूर देगा। पागल हो गए हो क्या? तेरा लड़का रमेश मेरे साथ में है, मेरे हाथ में है। क्या मतलब? हमने उठा लिया है तेरे बड़े लड़के को, और अगर तूने 10 लाख नहीं दिए तो तेरा छोटा लड़का इकलौता बन के रह जाएगा।
कुछ सोच मत, पुलिस का तो सोचियो भी मत। फटाफट पैसे जमा कर, कैश, फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सेठ? मेरा बेटा रमेश। रमेश को क्या हुआ? उस अमित को फोन लगाओ ना, वो अपने रमेश के साथ ही रहते हैं ना। अमित का फोन पे स्विच ऑफ आ रहा है। सेठ, उस अमित का यही कहीं कोई धंधा है ना? हाँ, मीरा रोड सब्जी मार्केट। भाई अमित कहाँ मिलेगा? कौन, ये दुकान वाला अमित? हाँ यही साहब। ये तो आज आया नहीं, और कल भी इसकी दुकान बंद थी। नहीं तो रमेश का तो कोई फोन नहीं आया, क्या बात है बताइए ना। समीर कहाँ है? समीर तो क्लास गया हुआ है। आपको छुपा रहे हैं क्या मुझसे? अरे सचिन, क्या हुआ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है रमेश? भाभी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? क्या बात है पापा? तुम्हारी रमेश भैया से लास्ट कब बात हुई थी? वही कोई दो चार दिन पहले। क्या हुआ रमेश भैया के साथ? कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करके बताता हूँ बेटा। देखिए आप मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अभी बताइए क्या हुआ है। मीरा, मुझे एक फोन आया, उस आदमी ने मुझे कहा कि उसने रमेश को किडनैप कर लिया है और मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? और भाभी, आपका मीरा रोड वाला फ्लैट भी बंद है और रमेश का सेलफोन भी स्विच ऑफ है। और पैसों के लिए जिस आदमी ने मुझे फोन किया था उसने मुझे कहा कि मुझे बाद में फोन करेगा, लेकिन अभी उसका सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपने उस अमित से बात की? वो तो रमेश के साथ ही रहता है, उसे कुछ पता है क्या? अमित का फोन स्विच ऑफ है और उसकी दुकान भी 2 दिन से बंद है। रमेश, एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? पहले बोल, तू चूचा नहीं करेगा, मैं जो भी बोलूंगा तू करेगा ना? बोल भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या? अगर तूने साथ दिया ना तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हम सबकी? अमित बोल तो सही, बात क्या है? 10 लाख मांगे हैं तेरे पापा से। क्या, 10 लाख मेरे पापा से? क्यों यार? रमेश पूरी बात तो सुन एक बार। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे? यार समझने की कोशिश कर रमेश। 10 लाख में सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो जाएगी? और तू अमित, तू पागल हो गया? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया, कितनी हेल्प की है, उसके बाद भी तू ऐसे हरकत करेगा? हाँ यार रमेश, समझने की कोशिश कर यार। स्वरूप, अमित कहाँ है? अपने दुकान पे होना चाहिए। क्या बात है माधव से, क्या हुआ? मेरा बेटा रमेश किडनैप हो गया है, पैसों के लिए फोन भी आ गया है, रमेश का फ्लैट बंद है और आपके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? स्वरूप भाव, मुझे रमेश के लिए बहुत डर लग रहा है।
माधव सेठ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अमित को तो एक हफ्ते से देखा ही नहीं, वो तो मीरा रोड से यहाँ आया ही नहीं है। माधव सेठ, वो किडनैपर का दोबारा फोन भी नहीं आया, कुछ तो लोचा है। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। माधव नारायण बोईसर का रहने वाला था, जो थाने जिले में पड़ता है, मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर। माधव का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक फ्लैट था, जहां उनका बड़ा बेटा रमेश रहता था। चूंकि रमेश मीरा रोड से किडनैप हुआ था, इसलिए माधव नारायण की शिकायत मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। साहब, रमेश मेरा बड़ा लड़का है, कांदीवली के कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है वो। और मीरा रोड में रहता है? वो हमारा ही फ्लैट है साहब, इसलिए रमेश वहाँ रहता है। साहब, मेरा काम घर सब बोईसर में है, इसलिए रमेश के लिए कांदीवली बोईसर अप डाउन करना मुश्किल जा रहा था। क्या करते हैं आप बोईसर में? कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ साहब। ये अमित जो है, ये आपका लड़का है? जी साहब, माधव सेठ के बहुत उपकार हैं मुझ पर और मेरे बेटे पर, 15 साल से जान पहचान है हमारी। बहुत मुश्किल होता जा रहा है सेठ, जितना धंधा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। विरार का मार्केट भी बहुत महंगा हो गया है साहब, हम लोगों को भी उधर दादर जाना पड़ता है माल लेने के लिए, आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता कभी कभी। मेरा काम धंधा सब पहले मीरा रोड एरिया में था, उसके बाद मैं यहाँ आया, वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ धंधा क्यों नहीं लगाते आप लोग? अब यहाँ का बना बनाया धंधा छोड़कर मीरा रोड कहाँ जाऊँगा सेठ? यहाँ का धंधा आप संभालिए, मीरा रोड अमित को भेजिए ना। साहब, वो एरिया इतना अच्छा है तो उधर तो जगह मिलना बहुत मुश्किल होगा। जगह मिलना मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ ने अमित को मीरा रोड मार्केट में खड़ा किया साहब, सब कुछ इन्होंने ही करके दिया, 1.5 साल पहले की बात। और अमित आपके बेटे रमेश के साथ रहने लगा? साहब, अमित के लिए भी बोईसर से मीरा रोड अप डाउन करना मुश्किल जा रहा था, तो उसी ने मुझे पूछा रमेश के साथ रहने के बारे में। मैंने भी सोचा मेरा लड़का अकेला रह रहा है तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, रमेश भी अकेला नहीं पड़ेगा। अमित का सब्जियों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, उसने कहा वो वहाँ मुफ्त में नहीं रहेगा, 5,000 रुपया देगा महीने का किराया। मैंने बोला ठीक है, ठीक ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसे कहिएगा कि वो पैसे रमेश को ही दे दे, अब रमेश के भी तो अपने खर्चे हैं ना, क्लासेस और ये और वो। 12th के बाद मैं भी रमेश भैया और अमित भैया के साथ रहूँगा वो मीरा रोड वाले फ्लैट में, वहीं अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूँगा और वहीं पढ़ूंगा। साहब, अमित पिछले 1.5 साल से मेरे लड़के रमेश के साथ रह रहा है। सर, रमेश और अमित दोनों के सेलफोन स्विच ऑफ बता रहे हैं, जैसा कि मिस्टर माधव ने कहा, और जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो भी स्विच ऑफ है सर। लोकेशंस? 11:30 बजे तक नायगांव था। साहब, जब मुझे फ़ोन आया किडनैपर का तब 12:15 बजे थे, उस वक्त उस नंबर का लोकेशन भी नायगांव ही था। ऐसा हो सकता है कि ये अमित जो है वो किस किडनैपिंग में शामिल हो। साहब, अमित ऐसा क्यों करेगा? नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो भी माधव सेठ जैसे देव मानुष के साथ, कभी नहीं। साहब, जिस आदमी का फ़ोन आया था वो अमित तो नहीं था, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज में पहचानता हूँ। शायद वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन स्वरूप भाव, माधव सेठ, इस केस को लेकर अब तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से उंगली अमित पर ही उठ रही है। कॉलर ने फोन करके आपसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, ऐसा अर्थ है कि कॉलर को पता है कि आपकी ताकत है 10 लाख रुपए देने की, यानी कि वो आपके जान पहचान के, लेकिन उसने दोबारा आपको फोन नहीं किया, कोई बहुत बड़ा प्लानिंग वाला गेम खेल रहा है। साहब, मेरा लड़का मेरे लिए सब कुछ है, पैसे तो आते जाते रहते साहब। हाँ बोलिए ना, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मेरे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए साहब। कुछ नहीं होगा माधव सेठ, मैं पर्सनली आपके सारे कॉल्स मॉनिटर करूंगा। अब अगर उसका फोन आता है तो मैं क्या बोलूं? बातों में उलझाए रखो, बोलो कि रमेश से बात करनी है, हमें जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतनी आसानी से हम कॉलर के लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। माधव सेठ, रोकड़ा रेडी है? मेरे पास अभी 10 लाख पूरे नहीं है। तो हमारे पास भी रमेश नहीं है तुम्हारा। देखो, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। हाथ मत जोड़िए, मुट्ठी खोलिए सेठ,
पूरे पैसे चाहिए। कल सुबह बांद्रा वेस्ट स्काईवॉक पर आ जाओ, ठीक 10 बजे। एक बार मेरी रमेश से बात करा दो, मुझे मेरे बेटे की आवाज सुननी है। बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है सेठ, पैसे जमा करने के लिए सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास। क्या हुआ, क्या कहा उसने? रमेश ठीक तो है ना? मुझे पैसे लेकर बांद्रा स्काईवॉक बुलाया, बोल रहा था कि पैसे मिलने के बाद रमेश को छोड़ देंगे। तो दे दीजिए पैसे, मेरे रमेश को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं लेके देती हूँ। दे दीजिए उसको पैसे, दे दीजिए। पालघर का कोई लोकेशन है सर, और कॉल के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता वाड़कर, ये लोग अपना लोकेशन कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं। सर ये अमित माधव नारायण और उसकी फैमिली के काफ़ी क्लोज रहा है, और 1.5 साल रमेश के साथ रहा है, फिर अचानक ये किडनैपिंग में क्यों शामिल होगा? और ऐसे आदमी से फिरौती मांगेगा जिसने इसका पूरा धंधा जमा कर दिया। इस अमित का मोटिवेशन क्या हुआ होगा ये हम नहीं जानते। हाँ पर वाड़कर इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की महंगाई के ज़माने में संस्कार और उसूल टिकते नहीं हैं, झुक जाते हैं। जब जायज तरीके से पैसे हाथ नहीं लगते तब गलत काम के बारे में दिमाग में ख्याल अपने आप आने लगते हैं। सर वैसे मैंने समित के पहले के फ़ोन कॉल्स भी ट्रैक किए हैं, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है सर कि अमित 1.5 साल से अपने साथ रह रहे रूममेट की किडनैपिंग कर सकता है, जबकि रमेश के पिता ने अमित के लिए एक बाप की भूमिका अदा की है। हमारा अमित ऐसा कर सकता है? मीरा अभी हमें पक्की तरह मालूम नहीं है कि ये सब अमित ही कर रहा है, इसलिए इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। अगर निर्दोष है वो तो गायब क्यों है? मुझे तो लगता है इसमें अमित का ही हाथ है। हेलो विक्रम कपाड़िया। हाँ बोल रहा हूँ सर, घर में कुछ नहीं मिला, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, वैसा का वैसा ही। वो महाजन विक्रम कपाड़िया जिसका नंबर अमित के कॉल लिस्ट पे था, उससे बात हुई है, अमित ने उससे पैसे उधार लिए हैं, उस विक्रम को मैंने थाने बुलाया है। बरो और कोई सुराग? सर ये अमित किसी दीपक राजपूत से कंटिन्यूस टच में रहा है। इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है? नहीं सर, ये भी सब्जी बेचता है, लेकिन मियर रोड मार्केट में नहीं बल्कि स्टेशन के पास ठेला लगाता है। उचला देला, उठा लो। सर ये भी गायब है। कुछ कहा नहीं, बस चले गए। कब से गए? आज सुबह से गए हैं। आज ठेला नहीं लगाया? शायद नहीं लगाए होंगे, मुझे तो कुछ बताते नहीं है ना, पता नहीं कहाँ गए होंगे। सर दीपक का सेलफोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कब से? आज सुबह से, लास्ट लोकेशन नायगांव। वाड़कर अब तो पक्का है कि ये अमित शामिल है, और उसने अपने साथ साथ दीपक को भी शामिल किया किडनैपिंग में। अपने को सबसे पहले रमेश को ढूंढ निकालना है, पर एक सवाल मुझे खाया जा रहा है। काय सर? कहीं ये रमेश खुद तो शामिल नहीं है? नमस्ते सर, सर मैं विक्रम हूँ, विक्रम कपाड़िया। हेलो जी, हाँ मैं विक्रम कपाड़िया को जानता हूँ। हाँ वो पैसा सूद पे देता है। सर मैंने ही अमित को 1.5 लाख रुपए का लोन दिया था। किस लिए? वो अपनी सब्जी की दुकान बड़ी करना चाहता था, और 1 साल के अंदर ही पैसा रिटर्न करने की बात हुई थी। पहले कभी उधार लिया था तुमसे? नहीं सर, मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला। वो माधव सेठ का नाम लिया और बोला कि मैं उनकी जान पहचान से आया हूँ। अच्छा तर तुम और माधव सेठ एक दूसरे के साथ बिजनेस कर चुके हो? सर उनके जैसा आदमी नहीं मिलेगा आजकल के ज़माने में, एकदम संत आदमी है संत। अगर वो अमित उनका नाम नहीं लिया होता ना, तो मैं उसको अपने पास खड़ा भी नहीं करता। तो ये अमित ने पैसे नहीं लौटाए तुम्हारे? नहीं सर,
उसे एक साल के ऊपर 6 महीने का टाइम और दिया, फिर भी उसने नहीं लौटाए तो पिछले हफ्ते उसको फोन किया था। कैसा फोन? याद दिलाने के लिए सर कि भाई मेरे पैसे लौटा। मुझे धमकी वाला फोन। सर उसके पास मेरे 60,000 रुपए बाकी है, न वो पैसे वापस कर रहा है न सूद दे रहा है, पर कसम लक्ष्मी जी की सर, ये किडनैपिंग के बारे में मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी। फिर मुझे क्या पता था ये पैसे के लिए माधव सेठ के घर में ही हाथ मारेगा। वाड़कर अब तो ये बिल्कुल साफ है कि ये किडनैपिंग अमित ने ही किया है अपने दोस्त दीपक को साथ में लेकर, और ये सिर्फ उन्होंने पैसों के लिए किया है, तुम्हारा उधार चुकाने के लिए और ऊपर से थोड़ा और पैसा बनाने के लिए। सारे सुराग एक ही आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड अमित है। अमित के सर पर लोन था जो वो समय पर चुका नहीं पाया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि अमित ने ये किडनैपिंग अपना लोन चुकाने के इरादे से की थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वो माधव नारायण से फिरौती की रकम लेने की बजाय उसे गोल गोल घुमाकर चक्कर क्यों कटवा रहा था। हेलो, रात 9 बजे जोगेश्वरी रेल यार्ड। अरे क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ? देखो ये नाटक बंद करो और मेरी रमेश से बात करो। मैंने ईमानदारी से पैसे जमा किए हैं ना तुम्हें देने के लिए। मैं भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ सेठ, सबर रखो, रमेश मिल जाएगा आपको आज रात 9 बजे। सर ये फिर से कोई फॉल्स अलार्म है, जोगेश्वरी रेल यार्ड रात 9 बजे बुलाया फिर फोन कट कर दिया, अब ये फोन स्विच ऑफ बता रहा है। प्लान क्या है इन लोगों का? पैसे दो जल्दी। मेरा बेटा रमेश कहाँ है? पैसे दो सेठ, लड़का घर पहुंच जाएगा। अरे एक बार मेरी बात तो करा दो उससे। पैसे नहीं दिए तो कभी बात नहीं होगी, जल्दी दो जल्दी। रमेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, वो अमित के साथ होगा। तो फिर अमित कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। थोड़ा सा मुझे सच्ची में नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ, नहीं मालूम साहब। हेलो पापा। बेटा रमेश घर आया? नहीं पापा अभी नहीं आया। सर मेरे को नहीं मालूम है सर। रमेश कुटे है? मेरे को नहीं मालूम सर। बोल रमेश कुटे है? बता जल्दी बता रमेश कहाँ है? अरे लौकर बोल। अमित बेटा बोल कहाँ है रमेश? क्या किया तूने? कुछ गलत तो नहीं किया तूने माधव सेठ के बेटे के साथ? हे अमित तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है? मैंने तुझे हमेशा अपने बेटे के जैसा माना है, रमेश तेरे छोटे भाई जैसा है। क्या हो गया? नहीं कुछ कुछ नहीं। अरे यार तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कुछ तो हुआ है, बोल क्या हुआ? इतनी जल्दी 60,000 रुपए कहाँ से लाएगा बे? पता नहीं यार मेरी तो लग गई है यार दीपक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। अरे वो लड़का है ना वो जिसके साथ तू रहता है। कौन? रमेश? हाँ उसके बाप से उधार ले ले, तगड़ा आदमी है ना। नहीं यार उनसे और पैसे नहीं मांग सकता यार, उन्हीं के कहने पे तो विक्रम सेठ ने मेरे को उधार दिया है, मैं उनसे और पैसे मांगूंगा बड़ा अजीब सा लगेगा और वो मेरे को पैसे देंगे भी नहीं। एक तरीका है उनसे पैसे निकलवाने का। क्या? उस रमेश को साथ में लेना होगा। हाँ मैं बोल। रमेश थोड़ा काम था यार। अब बोल भी दे यार,
काफी टाइम से अपना चेहरा लटकाए घूम रहा है, बोल। तू मिल सकता है क्या? तू मिलेगा तो तेरे सामने बोलूंगा मैं। हाँ बोलना, कहाँ मिलना है? नयगांव स्टेशन। नयगांव स्टेशन आ सकता है क्या? नयगांव? अरे यार नयगांव इतना दूर? आ जाना यार, थोड़ा अर्जेंट है, नयगांव आ जा। ओके बाबा मैं पहुंचता हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो हिंट दे। देख अब तू मुझे सॉलिड टेंशन में डाल रहा है। ओके तू एक बार आ जा, तू मिलेगा तो तेरे सामने मैं सब कुछ बता दूंगा। तू एक बार आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हमें तो चुप क्यों है? मेरा बेटा रमेश कहाँ है? तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे? मेरे पापा को? यार समझने की कोशिश कर रमेश। 10 लाख में सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। तू पागल हो गया? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया, कितनी हेल्प की है, उसके बाद भी तू ऐसे हरकत करेगा? हाँ देख रमेश, इतना उछल मत, हमारा साथ दे नहीं तो सच में उठा लेंगे। उठा लेंगे? किडनैप। किडनैप? अब समझा अमित, इसलिए तूने मुझे इतना दूर नायगांव मिलने बुलाया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है मैं क्या करूं। सूझ नहीं रहा है तो तू ऐसा घटिया प्लान बनाएगा तेरे दोस्त के साथ मिलकर? हाँ तू मेरी किडनैपिंग करेगा? तुम लोग पागल हो गए। पैसा नहीं मिला तो सच में पागल हो जाएंगे, डूब जाएंगे सबके सब। तुम लोग पागल भी हो चुके हो और डूब भी गए हो। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे और ऐसे मैं चुपचाप देखते रहूंगा? अमित मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, क्या पागल हो गया तू? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया, कितनी हेल्प की, और उसके बाद भी तूने? तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा कर रहूंगा। देखो यार अमित, अगर ये भौंका ना तो हम दोनों के गले में पुलिस का पट्टा होगा। यार अब क्या करेंगे दीपक? अब सबसे पहले इस हीरो को रोकना होगा, चुप कराना होगा इसको। नीच कमीने, एहसान फरामोश। यार दीपक ये क्या किया हमने? यार यार इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे हम, बर्बाद करने पे तुला था हमें। यार हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी यार। अबे चुप, लड़की जैसे मत रो, अपन आगे निकल जाएंगे मस्त, इसके बाप से लेंगे 10 लाख रुपए और उसके बाद किसी को पता चलने से पहले कहीं चले जाएंगे। यार बहुत होते 10 लाख रुपए यार, आज करेंगे। वाडकर, नायगांव तालाब पर एक टीम भेज दो। यस सर। मानुस माधव सेठ के साथ ऐसा किया, उसका लड़का उसकी जान था, जैसे तू भी मेरी जान था। उसने तेरे लिए जो किया वो मैं भी कभी नहीं कर सका। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? अमित और दीपक को थाने सेशन कोर्ट में पेश किया गया, वो दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। इन दोनों पर आईपीसी के सेक्शन 363 और सेक्शन 302 के तहत किडनैपिंग और हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। करीबी लोगों द्वारा इस तरह का कातिलाना विश्वासघात ना सिर्फ संगीन जुर्म है बल्कि इंसान का इंसानियत पर से विश्वास भी उठा देता है। लेकिन हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हमें दूसरे लोगों के साथ उनके बीच अपनी जिंदगी बितानी है। इसकी वजह से हम हर दूसरे इंसान को शक की निगाहों से नहीं देख सकते, अपने आप को सारी दुनिया से चुरा नहीं सकते, लेकिन हाँ
हम अपने करीबी लोगों पर करीब से नजर तो रख ही सकते हैं। यदि उनका आचरण किसी समस्या या मुश्किलात की दस्तक देता है तो उनसे बात करके उन्हें विश्वास में लेते हुए उनकी समस्या की गंभीरता को कम तो कर ही सकते हैं। इस केस में अमित के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। वो एक बालिग नौजवान था जिसने सिर्फ पैसों के लिए हत्या की। लेकिन अगर हम दो कदम पीछे मुड़कर देखें तो ये हत्या कितनी व्यर्थ थी। अमित कोई क्रिमिनल नहीं था, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था, उसे पैसों की जरूरत थी और वो पैसों के जाल में फंस गया। अगर वो एक बार अपने पिता के साथ या अपने पिता समान माधव नारायण के साथ ये अपनी समस्या शेयर करता तो शायद महाजन विक्रम कपाड़िया से थोड़ी मोहलत और मिल सकती थी, शायद पैसों का इंतजाम भी हो जाता। जो भी होता, रमेश जीवित होता। किडनैपिंग और हत्या भयंकर अपराध है, इनकी सभ्य समाज में कोई गुंजाइश नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अमित और दीपक को कड़ी से कड़ी सजा होगी और होनी भी चाहिए। रोल मॉडल्स के अभाव में आजकल कई युवाओं को यह गलतफहमी है कि आज के जमाने में शॉर्टकट्स चलते हैं। उनके लिए पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सच से कोसों दूर है, क्योंकि जमाने आएंगे और जाएंगे, लेकिन ईमानदारी और जायज मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और ना ही होगा। आपको उतना ही मिलेगा जितना आप देंगे। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। रमेश के लिए हमें बहुत दुख महसूस हो रहा है, उसके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, जिनके जीवन से रोशनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बुझ गया। एक युवा जिंदगी अचानक खत्म हो गई, ऐसा किसी के साथ ना हो। और हम ये आशा करते हैं कि इस दुनिया में अमित जैसे जो भी नौजवान जुर्म को अपनी समस्याओं का हल बनाने चले हैं, वो कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोचेंगे और उन्हें इस बात का आभास होगा कि हर गलत रास्ते की मंजिल एक ही होती है, बर्बादी।